माँ ने मुझे एक घड़ा दी थी, साथ में गठरी दी थी, बोली जाओ एक घड़ा पानी लेके आना और कपड़े जितने सभी साफ करके लाना। पिताजी मैं जा रही थी, रास्ते में मेरे ठोकर लग गया, मैं गिर पड़ी, मेरे चोट भी लग गई, घड़ा भी फूट गया, गठरी भी ना जाने कहाँ गुम हो गई। क्या सुन रहा? उसी कारण पिताजी माँ ने वो हंटर लगाई कि मुझसे सहन नहीं जा रहा। भगवान मेरी बेटी पर। महाराज आप ही सोचे, रेखा बेटिया नौजवान हो गई है, इसकी शादी होगी, ये ससुराल जाएगी, अगर गुण के लिए मैं तो चार हंटर मारी दी तो क्या कोई गलती कर दी हूँ? लेकिन तुम इस स्थिति में इस तरह मेरी अंधी बेटी पर तुम्हारे हाथ चलाने का कोई अधिकार? क्या कमी है? ये खाती नहीं है कि पीती नहीं कि सोती नहीं, क्या कमी इसमें? हराम खोरी, तूने मेरी अंधी बेटी के साथ इस तरह का जुल्म ढाया, आज मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। तो हुक्म से जिसने बेटी को भेजा वहां हुक्म से। ऊपर से बेटी पर अरदास जुल्म सितम जितना हंटर से कमरी उड़ा। अब जाजिर मेरी बेटी पर इस तरह का सितम धारे। बापू माँ की गलती माफ कर दी जाए। बापू जो कुछ किया ना यहाँ जाती, यहाँ विदाई ले जा। रो नहीं बेटी, रो नहीं बेटी, मेरी तकदीर खोटी थी। हराम जादी तू मेरी आंखों से दूर हो जा, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जान ले लो, मारो, मैं तुझे मारवाज मार रहा हूँ। बेटा बेटा फूल, तुम और ये बेटी रेखा, तुम दोनों जहरीली नाक से बच के रहना मेरे लाल, कहीं ऐसा ना हो कि एक काल बनकर तुम दोनों को डस ले मेरे लाल। अब इसका कोई भरोसा कोई विश्वास नहीं है, ये तुम्हें खाने में जहर भी मिला सकती है मेरे लाल, जहर भी मिला सकती है। ये माँ है, माँ का दर्जा संसार में बहुत ऊंचा है, जो कुछ करेंगी मैं सब सह लूंगा, लेकिन मेरे सामने माँ पर हाथ मत उठाओ बापू। ये माँ नहीं है मेरे लाल। बाबू ये कौशल सिंह कॉलेज जाते हैं बापू, लेकिन बच्चों के साथ झगड़ा लड़ाई करते हैं, उनकी अदब होता है। मैं उसकी सब शिकायत सुन चुका हूँ बेटा फूल, कि वो दारू पीता है और रियाया में जाकर हमारी रियाया को तकलीफ देता है, रियाया के साथ दुर्व्यवहार करता है। ठीक है, आज मैं खुद उसकी तलाश में जाऊंगा बेटा, लेकिन फूल तुम अपनी इस बहन पर विशेष ध्यान रखना मेरे लाल, बहन पर विशेष ध्यान रखना। बापू मैं अपनी बहन को मैंने कह दिया कि अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगा। द्वारपाल रेखा बेटी पर तुम भी निगाह रखना बेटा, योग्य सरकार भी निगाह रखना। मैं इस वक्त कौशल सिंह को ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है। रेखा। हाँ भैया। तू देख रही हो कि माँ ने किस तरीके जुर्म ढा रही है,
हाँ भैया, इसलिए मैंने पहले कह दिया कि माँ को जवाब मत देना। खैर अपनी माँ है, जो कुछ कह दिया कह दिया, लेकिन माँ की सेवा तुम बराबर करना बहन, माँ को जवाब नहीं देना। भैया कभी नहीं देती माँ को जवाब। रात का मालिक होगा? हाँ भैया, आधे रात का मालिक वो बनेगा हरामजादा, राज मेरा और आधे रात का मालिक वो बनेगा। और शक कभी नहीं होगा पोल सिंह, तेरा सपना साकार कभी नहीं होगा। और मेरे रहते हुए तेरी बहन अंधी वो कुंवारी रहेगी कुंवारी। बिल्कुल ठीक भैया, बिल्कुल ठीक। जय राम हो भैया धौकल सिंह। अरे क्या बोला रे? कह रहा हूं जय शंकर भैया धौकल सिंह। हराम जादे, तुझे ये नहीं मालूम है कि मेरा नाम क्या है? आप ही का नाम ले रहा हूं भैया। आज की बात सुन ले और तू नोट कर ले जी। मेरा नाम है बाबू कौशल। याद आया? बाबू कौशल सिंह। मेरा नाम है बाबू कौशल सिंह। हम कही बाबू धौकल सिंह। बरोम जाने तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। भैया जो आप पूछ रहे थे हमारे भाई से, यहाँ पर क्या मुनादी हुई है? क्या मुनादी हुई? जो उस अंधी राजकुमारी शादी करेगा वो आधे रात का मालिक होगा। हाँ? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मैं रहते हुए फूल सिंह का सपना कभी साकार नहीं होगा। पहले हमका ही बतावा, जो अंधी शादी करेगा आधा राज उसका हो जाएगा, आधा राज बचेगा, आधा राज हो गया फूल भैया का। और हम बच्चे माँ बेटे, तुम्हारी पूछ बच्चा हा? हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारी पूछ जाना नहीं उरे। क्यों रे? ननियाल में मेरा क्या है? तू लड़का ननियौरे के है? ननियौरे मतलब तू ननियौरन में पैदा भया भैया। हराम जादे, उल्टी सीधी बातें करोगे तो जानते हो मेरे हाथ में क्या है? घोड़ा है, ये हंटर है। हाँ, तेरी चमड़ी उधेड़ देगा। निकोल तो लिया। लेकिन तू सबसे पहले ये बता कि मुझे ऐसी कोई बुद्धि बता, ऐसा दिमाग तू लगा किस रात का मालिक मैं बनूं और तुम्हें मंत्री यहाँ का बना दूं मैं? आओ मंत्री बनेंगे। बिल्कुल ठीक भैया, हम तो नौकर हैं, आप तो राजा महाराजा के लड़के हैं, आपसे बड़ा बुद्धिमान कौन हो सकता है? आप ही कोई उपाय सोचिए भैया कि आप यहाँ के महाराज और मैं यहाँ का मंत्री। लेकिन ऐसे नहीं, फिर तुम चले जाओ ठेके पर। ठेके पर जाऊं? और वहां से जाके एक रम की बोतल ले आओ। बिल्कुल ठीक। और साथ में सिगरेट की डब्बी। डिब्बी लाएंगे सिगरेट की। और उसके बाद मूड बनाया जाएगा अपना। मूड बनाए होए, पचौनी बनाए होए। ओम जादे वो बात नहीं। आप ही तो कहे। कहने का मतलब माइंड का फ्रेश, माइंड का फ्रेश। या या चल बे इधर। ये मेरा खाना है, जो मैं चाहूं वही हो सकता है।
अरे क्यों रे, इसको सीधा कर रहा हूँ भैया। भैया आ गई। क्यों रे, लेके आ गया। भैया हमने गया ठेके पर, तो हमने कहा ठेकेदार कहे कौन है बे? क्या बोला? क्या बे? उसने कहा कौन है बे? मैंने कहा मुझे पहचानते नहीं हो, मुझे बाबू कौन सा सिंह भेजे है। अबे उसने तुम्हें बेबू कहा? कहा साला, तूने बताया नहीं कि मुझे कौन ने भेजा है? बाबू कौशल सिंह ने। बताएगी कहन क्या चाहिए? हमने कहा एक बोतल दो, एक बोतल हमें शराब दो। तो यही दे बस, शराब चुक गई रही। अबे कौन सी शराब लेके आया है तू? ना तो रमई रही, ना तो बिकसिन रही, यही आप अच्छी रही। नाम क्या है रे इसका? ये शराब है साउची। बदतमीज कही के तुझे नाम नहीं आता तो जाकर लेके क्या आओगे? इसका नाम होगा शौफी शराब। शौफी हम कही साउची। डाट खोला का? तू ही खोलेगा। हम ही खोली डाट? तू खोल। अरे माई दे खोल के ना है ना भाई। कपड़ा लगा ले का? सील लगी हुई है। कपड़ा लगा तो खोल भैया। हाँ बे। अरे माई हो टसकते नहीं है यार। दांत लगाई का बे? अबे कौन सारे ढील होई गए, ढील होई गए। अरे बापई क्या साली दारू है बाबू साहेब। क्या रे? डाट खुल गई। हाँ। लीजिए पहले आप पिल्ली, ओकरे बाद हमारा भाई पिल्ली, तो मैं बाद में पिल्ला। पिल्ला के बच्चे क्यों रे? क्या है पिल्ली और पिल्ला? तो ऐसा बोल कि पहले बाबू साहब आप पियो, उसके बाद तुम पियो। सबसे लास्ट नंबर तुम्हारे भाई का है। यार तो से नहीं बनत। बाबू साहब ले पीजो। तब एक क्या है, लीजो और पीजो। तबाई बने और क्या? अरे कैसे मार दे बाबू साहब, लागत नहीं लगने के। अरे अरे बोला हरे में। अरे चले बाबू साहब, कितना उतार पहले ले बाबू साहब थाना। थाना नहीं साले, कोतवाली आएगी यहाँ पे। पहले चश्मा उतार। उतार बे। बोतल उठा। डाट खोल के दे। चल इधर। जी तुझे मैंने भेजा था कि जाके लेके आ। हाँ? पहले तू पी ले, उसके बाद मैं पीऊंगा। कभो ऐसे मेका छुए ना इन बाबू साहेब। आज जी भर के पी ले तू, इसना हो हम लुंडी आई जाई। उतनी नहीं पिलाऊंगा कि तू नशे में हो जाए। पहले दुई बूंद दिया। अबे दो बूंद क्या करेगा, पहले काम है। बब 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 बब। 15 साल हो गए वह हमार कान बहत, बहुत दवाई करे काम कामयाबी नहीं हासिल भाई। बम्बई के एम में भर्ती रहे तब नहीं निकाले। दुई बंद डाल ले के जान आराम हो जाए। आराम हो गया पूरी खुपड़िया चुन चुनाई ला गया। कसो आराम भा, पूरी खोपड़िया चुन चुनाई लाग गए। यार हम ले का भैया, लाई ले लाई ले। असली है बे बाबू साहेब। क्या रे? दुई बूंद हम हो दे बाबू साहेब। ओ जी भर के पी ले। बाबू साहेब बहुत दिन से हमरे बतास पकड़ दिया है। अकलंडी आओ हम राजा। लाई जा बाबू साहेब, लाई जा। बाबू साहेब बहुत दिन से बतास पकड़ दिया, दुई बूंद से तारू लगा ली। ये चाला
पीने को तो नहीं मिल रहा, ये साला पाँव में लगा रहा है। किसी को नहीं पिलाऊंगा मैं, आज पीऊंगा और उसके बाद सोचूंगा कि बड़े भाई फूल सिंह तुम्हारे विषय में मैं क्या करूं और कैसे राज का मालिक मैं बनूं। लगा रहे सिगरेट, लगा रहे। और कहो क्या यही धर्म कहता, इसमें हुआ है किसी का, आदत बुरी है इसे छोड़ दो तुम, ये आदत बुरी है इसे छोड़ दो तुम, और नहीं तो फिरोगे। पिताजी, पिताजी यही है मेरा मुताबिक क्या, पिताजी यही है मेरा पुताना, भले ही पड़े उम्र भर ठोकर। जिंदगी का सहारा यही है मेरी, जिंदगी का सहारा, जहां ना मिले पर वहां है ठिकाना। समझाऊंगा ये आदत बुरी है इसे छोड़ दो, वरना ऐसी सजा। अच्छा तो मुझे मारने की धमकी दे रहे हो क्यों पिताजी? तो धमकियों से पिताजी डराओ नहीं, जीते जी मैं इसे छोड़ सकता नहीं, इसके गम में सदा डूब मर जाऊंगा, इससे मुंह को कभी मोड़ सकता नहीं। अरे पिताजी तू कल निकल जा हमारे महल से, अभी और महल से अभी, वरना ऐसी सजा तुझको दिलवाऊंगा। मार कोड़ों से चमड़ी, हरामजादे मार कोड़ों से चमड़ी और उड़ा दूध तेरी, और इस तरह तुमको मैं सजा। नालायक पैदा हुआ मेरी कोख में, मेरे नाम पर कलंक का टीका लगा दिया है। यह एक राजा बेटा, यह महाराज जी, इस पे इतने लगे मुझसे समझाइए, तकता जो एक दिन यह बिलक जाएगा मेरे बेटे को ज्यादा सकता वो नहीं। मुझे जवाब दो कि क्या इसकी ये आदत ठीक है, दिन भर शराब पीना, रियाया में जाकर गरीबों को सताना, किसानों पर जुल्म उठाना, क्या ये बुरी आदत नहीं है? मेरे ही नहीं, मेरे बुजुर्गों पर कलंक का टीका लगाया है। इसे शराब जुआरी बनाने वाला है कौन? कौन है बनाने वाला? आपने। कैसे? मैंने इसे जुआरी शराब मेरा बेटा कहने किया नहीं आपने, समझे? हाँ, तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का कहना करके
मैं अपना हाथ कटवा लूं। तो फिर मारने वाले कौन होते हो तुम? क्यों रे, तूने दारू पिलाई है? हम ना पिया है, हम ना लिया उरे करे हवा हुए पिया हवा हुए वाल नहीं पिया मानी वाले वाले हर जाओ मेरा स्टैंडर्ड उठा भाई उठा। या भगवान, मैंने पहले ही नहीं सोचा जो इस कुल्टा से मैंने शादी कर लिया। भैया माई आए यहाँ, कहा थी यहाँ चला भीतर में पिया बोलेगा कौन? अंदर चलो अंदर। मैं तुम मत बोलो, रुक जाओ इधर, चलो चलो इधर। आदत बुरी है, छोड़ दो कौशल सिंह, नहीं बाद में पछताओगे। तूने मेरे ऊपर हंटर चलाया? क्यों चलाया हंटर? हंटर ही नहीं, तेरी बोटी बोटी काट चला। तूने चुप रह, मुझे मार डालोगे? अभी तुम मुझे समझाने आई हो? तुम मुझे मार डालोगे? धमकी दे रहे हो? मुझे मार डालोगे? हराम क्या दे? क्या बताऊं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे नालायक बेटा मेरी कोख में जन्म लेगा, वरना इसे जहर देकर पहले ही इसका नामो निशान मिटा दिया होता। खैर कोई बात नहीं है, जो होगा दोस्तों, एक मेरी बेटी है जिसका नाम पूजा है, वो सयानी हो गई है, वो शादी योग हो चुकी है और पढ़ भी रही है। मैं आपके समक्ष बुलवाता हूं कि मेरी बेटी यही है, बेटी पूजा। दोस्तों, ये रही मेरी बेटी पूजा। बेटी जाओ, मेरा नाम रोशन करोगी। अब मुझे यकीन है कि तू बेटी नहीं हो, बेटा हो। हम तुम्हें बेटा समझता हूं, जो कुछ करूंगा तुम्हारे लिए करूंगा और जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे बाप की ऊंची नाक है, इसे कटवाना नहीं। मेरे अरमान में पानी मत फेरना, अपनी आना अपनी जाना। अगर कुछ हुआ तो सोच लो कि ना तू मेरी बेटी ना मैं तुम्हारा बाप। ठीक है पिताजी, जाओ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। ये रही मेरी बेटी पूजा। महारानी ने कहा कि सेनापति महाराज बुढ़े हो गए हैं, उनसे कोई काम काज नहीं होता है, और महाराज को जग से मिटा दीजिए। और मैंने वादा किया हूं कि महारानी, महाराज को दुनिया से दूर कर दूंगा। वो दिन आ गया है, वक्त का इंतजार करना। महाराज समर सिंह की जय हो, महाराज समर सिंह की जय हो, महाराज समर सिंह की जय हो। सेनापति जी। महाराज। सुनो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। हाँ महाराज, कहिए। और बहुत आज खुश दिल नजर आ रहे हो, भला क्यों ये मीठे स्वर्ग आ रहे हो, भला क्यों ये मीठे। महाराज आज बहुत खुश
नजर आ रहे। महाराज आपकी खुशी में हमारी खुशी है। तो मुझे भी अपनी खुशी में शामिल। महाराज मैं खुशियों को तोहफा लेके आया हूँ। मैं लाया हूँ शादी का पैगाम। शादी का पैगाम राजन, गए दूर दिन वो बर्बादी के गाजन। चलो साथ में मेरे पर देख आओ, अब आ गए दिन आजादी के राजन। बर्बादी के दिन चल गए महाराज, बर्बादी के दिन चल गए, अब आजादी के दिन आ गए। चलिए मेरे साथ पर देखाइए, मैं पैगाम शादी के लाया हूँ। शादी का पैगाम? हाँ महाराज, एक हफ्ता हो गया, मैं आज वापस आ रहा हूँ। सेनापति जी, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे अपार खुशी हुई है। ये बताओ, ये शादी का पैगाम कहाँ से लाए हो और कहाँ के रहने वाले हैं वो जहां से तुम शादी का पैगाम बतला रहा हूं महाराज। और चलो साथ में मेरे पर देखो, चलो साथ में मेरे पर देख आओ, और खुद ही लड़के वाले का घर देख आओ। रतनगढ़ में उनकी खुद ही मिल्कियत है। रतनगढ़ में उनकी खुद ही मिल्कियत है, उस महान को एक नजर देख आओ। महाराज रतनगढ़ में उनकी खुद ही मिल्कियत है, उस माहौल को एक नजर देख आओ। सेनापति आप चलिए लड़के वाले के घर देख लीजिए। तो